हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट स्टार्टअप चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक मज़ेदार मेथड की, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही जल्द किसी भी तरह के डाटा में जो सीरीज नंबर होते हैं 1 2 3 4 जो भी होते हैं, उनको आप एक ही क्लिक में बहुत ही आसानी से बना सकते हो और साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, रो वाइज, कॉलम वाइज और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो बने रहिए, इस चैनल को देखते रहिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी टैक्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। ये ट्रिक MS Excel, MS Office और WPS Office सभी में वर्क करती है। ऐसा मत समझना कि मैं WPS Office में ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ और ये MS Excel में वर्क नहीं करेगा, ये दोनों में वर्क करेगा। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल पर चले जाना है। होम टैब में फिल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर चले जाना और यहाँ से सीरीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी पॉपअप बॉक्स की हेल्प से हम यहाँ पर कुछ सीरीज फिलअप करके देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अभी यहाँ पर 1 है। मैं इसको रो वाइज कैसे फिल कर सकता हूँ वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने इतना डाटा सेलेक्ट कर लिया, इतने सेल सेलेक्ट करिए, फिल पर गया, सीरीज पर गया, सीरीज में रो, सीरीज इन रोज में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लीनियर यानी कि 1 2 3 4 ऐसे सीरीज वाइज लग जाए और ओके दबा देना है। जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली जितना डाटा हमने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली अपनी सीरीज लगा देगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पर 1 डाल के उसको सेम मेथड से अगर करता तो यहाँ पर बहुत सारी लंबी सीरीज चली जाती। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे के मेथड में। यहाँ पर मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा, अब कॉलम वाइज करते हैं, फिल पर जाना है, सीरीज पर जाना है, लीनियर, कॉलम, यहाँ पर कॉलम अब सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अब कॉलम वाइज चल रहे हैं। ओके दबाएंगे तो ये देख सकते हो जितना सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ये डाटा फिलअप होकर आ गया है। अब इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ एक नया मेथड है। इस बार फिलअप पर जाना है, सीरीज में जाना है। अब बात कर लेते हैं ऑटो फिल के बारे में। यहाँ पर ऑटो फिल दबाना है, ओके दबा देना है। ऑटो फिल से भी ये ऑटोमेटिकली जो भी डाटा उसके अकॉर्डिंग होगा सही, ये ऑटोमेटिकली उसको फिलअप कर देगा। अब फिर से एक बार इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। यहाँ पर आपको एक ग्रोथ का टाइप में ग्रोथ का ऑप्शन दिया होगा, ये कैसे काम करता है। अभी मैं इसको ग्रोथ पर सिलेक्ट कर दूंगा, ओके दबाऊंगा तो आप देख सकते हो 1 1 1 1 1 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, ये तो बेकार हो गया। तो कैसे करना है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सिंपली डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जितने भी सेल्स में चाहिए ग्रोथ में यहाँ पर सिलेक्ट करके सीरीज पे आ जाते हैं। और यहाँ पर ग्रोथ का इस्तेमाल अब कैसे करना है, जो यहाँ पर स्टेप वैल्यूज़ हैं, स्टॉप वैल्यूज़ हैं, इनकी हेल्प से हम इसके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप वैल्यू यानी कि इसमें हम डालेंगे जिससे ये मल्टीप्लाई होकर अपने आप वैल्यू कैलकुलेट करता जाए। 2 डाला, ओके दबाया तो ये 2 के अकॉर्डिंग अपने आप इसको सीरीज वाइज बना देगा, 2 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और एक नई सीरीज बना देगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सीरीज यानी मल्टीप्लाई की भी सीरीज बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट के बारे में। अगर डेट में भी करना है, सीरीज में जाना है, तो यहाँ पर आपको डेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, डेट पर जाना है और यहाँ पर डे वाइज, वीक डे के अकॉर्डिंग, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और डाटा को पहले सिलेक्ट कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। डेट में जाकर यहाँ पर हम डेट वाइज ही रखते हैं और ओके दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली डेट वाइज ले लेगा डाटा को। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर से हम सीरीज पर जाकर, यहाँ पर अगर मैं ऑटो फिल पर भी ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, इन सभी में से कुछ भी और सिलेक्ट नहीं करता, ऑटो फिल क्लिक करके ओके दबा दूँ ना, तब भी ये ऑटोमेटिकली उस डेट को एडजस्ट कर देगा और सीरीज वाइज ले लेगा। तो ऑटो फिल का जो ऑप्शन है ना, मुझे वो सबसे इसमें बेस्ट लगता है। सीरीज में जाना है, ऑटो फिल जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली डाटा को ले लेगा और अपने आप लगा देगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ और ये पूरे कॉलम को अगर मैं सिलेक्ट करके फिल पर जाऊँ, सीरीज पर जाऊँ, यहाँ पर लीनियर सिलेक्ट है ना, तो ये यहाँ पर जितना भी अब नीचे तक एक्सेल जाएगा, यानी कि मैंने ये तो पूरा सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा डाटा में अपने आप ही ये लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पता नहीं कितनी लंबी सीरीज, जितना भी सेल है ना,
वो सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए थे, तो ये अनलिमिटेड नंबर्स तक सिलेक्ट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टेप्स, यानी कि अगर हमने कोई लिमिट लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर जाकर ऐसे सिलेक्ट कर लेना और फिल्म में जाकर सीरीज में जाना है, और यहाँ पर लीनियर में जाकर यहाँ पर स्टेप्स आप बता सकते हो कितनी लिमिट तक आपको वैल्यूज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर 1 लिखकर इसको डिलीट कर देते हैं, और फिर यहाँ पर आकर फिल पे जाकर सीरीज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100। अगर मैं 100 लिखकर ओके दबाऊँ तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली 100 तक की इसने सीरीज ली है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह के सेल में, कॉलम में, रो में इजीली डाटा के सीरीज को क्रिएट कर सकते हो और फिलअप कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो सिंपली अब कैंसिल कर देता हूँ, और ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाले, और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।